हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से बीबीसी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के सब्जेक्ट टाइप ऑफ स्केल्स के पार्ट थ्री में बताएंगे डायगोनल स्केल के बारे में। इससे पहले पार्ट टू में हम पार्ट टाइप ऑफ स्केल और साधारण स्केल के बारे में बता चुके हैं। आज हम बताएंगे डायगोनल स्केल या विकर्ण पैमाने के बारे में। विकर्ण साधारण स्केल में अपन क्या कर सकते हैं, सिर्फ दो ही प्रकार की इकाइयों को नाप सकते थे, लेकिन डायगोनल स्केल में अपन क्या कर सकते हैं, तीन इकाइयों को प्रदर्शित किया जा सकता है। यानी इस पैमाने पर तीन इकाइयों को प्रदर्शित किया जाता है। वो इकाइयां आपस में क्या संबंध होता है, इसके द्वारा जो इकाई नापी जाती है वो सबसे बड़ी इकाई का 10वां हिस्सा छोटी इकाई और दूसरी इकाई और 16वां हिस्सा जो है वो तीसरी इकाई होती है। यानी एक इकाई बड़ी इकाई के दो छोटे हिस्से अपन यानी 10वां और 16वां हिस्सा भी इसमें डायगोनल स्केल के द्वारा दर्शा सकते हैं। ठीक है, जैसे मीटर सबसे बड़ी एरिया यानी इकाई एरिया यानी पहली इकाई अपने मीटर लेते हैं तो उसका 10वां भाग क्या होगा, डेसीमीटर, और 16वां भाग क्या होगा, सेंटीमीटर। यानी इस विकर्ण पैमाने में अपन मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर तीनों को एक साथ दर्शा सकते हैं। जैसे 8 मीटर, 5 डेसीमीटर और 6 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा, 8.56 मीटर। यानी मीटर की सबसे बड़ी इकाई मीटर होगी और इसकी दो छोटी इकाई यानी दशमलव के दो संख्या तक जब आपने वो किसी संख्या को दर्शाना हो इकाई में दशमलव के दो संख्या तक, तब अपन किसका यूज कर लेते हैं, डायगोनल स्केल का। ठीक है, इस पैमाने में अपन क्या करते हैं, तीसरी जो है डायगोनल, पहले पहले में क्या करते थे अपन, सिंपल स्केल में एक लाइन लेके उसका बड़े पार्ट करते, फिर एक छोटे पार्ट के बड़े पार्ट करते थे, फिर एक छोटा पार्ट जो लास्ट पार्ट होता था उसका और पार्ट करते थे, है ना। इसमें क्या करते हैं अपन, तीसरा जो हिस्सा है वो डायगोनली करते हैं, ये खड़ी जो लाइन है वर्टिकल लाइन इसके भी पार्ट करते हैं और फिर यहाँ से इसको सामने ले जाते हैं और इसको डायगोनली मिलाते हैं। डायगोनली कैसे मिलाते हैं वो मैं क्वेश्चन से समझाऊंगा। चूंकि इसको डायगोनली मिलाते हैं यानी सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या होती है, तीसरी इकाई वो क्या किस पे दिखाई जाती है, डायगोनल यानी विकर्ण पे पढ़ाई जाती है, इसीलिए इस पैमाने को अपन क्या बोलते हैं, विकर्ण पैमाना बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन विकर्ण पैमाना बना के देखते हैं। विकर्ण पैमाने में भी किस आरएफ वैसे ही निकाला जाएगा, अधिकतम लंबाई भी वैसे ही नापी जाएगी अपने जैसे पिछले क्वेश्चन में दी थी। अपने को एक क्वेश्चन में क्या निकालना होता है, एक क्वेश्चन में अपने को सबसे पहले देखना होता है उसके अधिकतम माप कितनी है, अधिकतम माप कितनी है, ड्राइंग पर माप कितनी है, वास्तविक माप कितनी है, और अपने को दर्शानी कितनी है पैमाने पे, दर्शानी है, दर्शानी कितनी है। अधिकतम माप, जैसे मैं एक क्वेश्चन उदाहरण लेता हूं आपको, एक एक अपने को क्या करना है, एक विकर्ण पैमाने की रचना करनी है जिसमें मीटर कौन कौन सी चीज दर्शानी है, मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर, तीन इकाइयां आ गई, मतलब विकर्ण पैमाना बनेगा जिसमें अधिकतम 5 मीटर की दूरी मापी जा सके, अधिकतम 5 मीटर की दूरी मापी जा सके। ये देखिए क्वेश्चन है जिसमें अधिकतम 5 मीटर की दूरी नापी जा सके। ध्यान रखना है अधिकतम माप क्या होता है, ड्राइंग का माप क्या हो सकता है और वास्तविक माप क्या हो सकता है, ये क्वेश्चन अपने को पढ़ में ही नोट कर लेना है। यह पैमाना 2 सेंटीमीटर को 1 मीटर में प्रदर्शित करता है। ड्राइंग 2 सेंटीमीटर को 1 मीटर में प्रदर्शित करता है। तो ये 2 सेंटीमीटर को यानी ड्राइंग पर माप उसकी कितनी है, 2 सेंटीमीटर, और कितना प्रदर्शित कर रहा है वो, 1 मीटर, तो यानी वास्तविक माप उसकी कितनी है, 1 मीटर। ये अपने को ध्यान रखना है ड्राइंग की माप और वास्तविक माप क्या है। ठीक है, पैमाने पर 3 मीटर 5 डेसीमीटर, 3 मीटर 5 डेसीमीटर और 6 सेंटीमीटर की दूरी अपने को दर्शनी है। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। सबसे पहले अपने को क्या बनाना पड़ेगा, इसका आरएफ। आरएफ जो होता है वो क्या होता है, वस्तु की कहां पे माप, ड्राइंग पे माप, ड्राइंग पर
माप डिवाइड बाय वास्तविक माप। ड्राइंग में माप कितनी है अपनी? 2 सेंटीमीटर, और वास्तविक माप कितनी है? 1 मीटर। सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेंटीमीटर ही होगा, इसलिए अपने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये कितना हो गया? 1/50 आरएफ। अपने को क्या निकालनी होती है? पैमाने की लंबाई। पैमाने की लंबाई अपने निकालेंगे, पैमाने की लंबाई होती है आरएफ गुणा अधिकतम माप। अधिकतम माप कितना है अपना? 1/50। अधिकतम माप अपना है 5 मीटर। 5 मीटर, चूंकि अपन सेंटीमीटर में बनाएंगे इसलिए 500 सेंटीमीटर, ये आ गया 10 सेंटीमीटर। तो ये होगी अपनी पैमाने की लंबाई। ये चीज क्लियर होगी सबको? आरएफ निकालेंगे पहले, फिर पैमाने की लंबाई निकालेंगे। पैमाने की लंबाई अपने इसलिए निकालते हैं क्योंकि अपने को पता होना चाहिए कितना लंबा पैमाना अपने को बनाना है। अधिकतम माप इतनी है, वो दर्शाना है अपने को 3 मीटर, 5 डेसीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ये आंकड़े अपने दर्शाने हैं इसको, और ये अपना अधिकतम माप है। तो सबसे पहले अपन पहले की तरह ही करते हैं, साधारण पैमाने की तरह ही, कि जी हम एक 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींच लेते हैं। 10 सेंटीमीटर लंबी ये लाइन मान ली अपने 10 सेंटीमीटर है। एक आयत बना लेते हैं उपयुक्त आकार का। ये अपने को अंदाजे से आयत बनाना है, लेकिन होना चाहिए आयत ही, क्योंकि अपने को डायगोनल स्केल बनाने में भी ये काम आएगा। अब सबसे पहले अपनों को अधिकतम माप जितनी मापनी है उतने हिस्से कर लेते हैं। अधिकतम 5 है, तो अपने पहले सबसे पहले बड़ी लाइन के 5 हिस्से कर लेते हैं। चाप लगाते हैं, तरीका आपको याद होगा, नहीं भी याद है तो आप अपना नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक, एक लाइन के बराबर हिस्से करने का वो देख लें। ये सेट स्क्वायर से मिलाना होता है, सेट स्क्वायर से समांतर लाइन खींचनी होती है। अभी अपन रफ कॉपी में ड्राइंग शीट पे आपको करके बताएंगे, रफली कर रहा हूँ एक बार मैं। यही क्वेश्चन आपको ड्राइंग शीट पे भी करके दिखा दूंगा। ये हो गया 5, यहाँ से लंब डालते हैं ऊपर ताकि ये लाइनें अपनी पूरी हो सके। अब अपने पास एक ये हिस्सा हो गया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, एक और टेढ़ी लाइन खींचेंगे और इस लाइन के 10 हिस्से करेंगे, क्योंकि ये मीटर के हिस्से हुए हैं। 5 मीटर है तो 1 0 यानी 1 4, ये और 1 ये 5 मीटर के हिस्से हो गए। इस हिस्से को अपने को डेसीमीटर और इसको सेंटीमीटर में बदलना है। इसके 10 हिस्से कर लेते हैं, चाप लगाएंगे छोटे छोटे, 8 9 10। पहले इसको इससे मिला देते हैं, फिर इसके समांतर सेट स्क्वायर की सहायता से लाइनें खींचेंगे। वो मैंने आपको पहले बताया हुआ है, सेट स्क्वायर की सहायता से समांतर लाइनें खींचनी। उसका डिस्क्रिप्शन भी नीचे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो लिंक उसका, अगर नहीं याद है तो प्रैक्टिस करते रहें। और ये लाइनें बिल्कुल समांतर होनी चाहिए, थोड़ी भी इधर उधर हुई तो आपके नंबर कट सकते हैं। ये अपना पॉइंट मिल गया अपने को, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये अपने पॉइंट मिल गए हैं। इन पॉइंट के बिल्कुल सामने यहाँ पे इस लाइन के समांतर स्केल सेट स्क्वायर रखते हुए यहाँ पे पॉइंट अंकित करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये अपने सामने इसके बिल्कुल अंकित कर लिए हैं। ये इसके बिल्कुल सामने 1 होगा, इसके बिल्कुल सामने 2 होगा, इसके बिल्कुल सामने 3 होगा, इस प्रकार ही होंगे ये, ठीक है। अब यहाँ से एक टेढ़ी लाइन और खींचेंगे और यहाँ पे भी 10 चाप लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेट स्क्वायर की सहायता से लास्ट को इससे मिलाएंगे, फिर समांतर लाइनें खींचेंगे।
ये मैं आपको इसीलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि ये मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूँ, ये फिर भी आपको ये लाइनें डिवाइड करना नहीं आता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बार बार बता रहा हूँ, जाके चेक कर सकते हो एक लाइन को एक से ज़्यादा टुकड़ों में किस प्रकार तोड़ते हैं और समांतर लाइन कैसे कहते हैं। इन लाइनों को मैं आगे बढ़ा दूंगा यहाँ तक, बिल्कुल इस लाइन के समांतर। इस प्रकार हो गया। अब अपने को क्या करना है, डायगनल, क्योंकि नाम डायगनल है इसलिए यहां पे डायगनल मिलाने हैं, जीरो को यहां से वन से मिलाना है, वन वन को टू से, टू को थ्री से, थ्री को फोर से, फोर को फाइव से, फाइव को सिक्स से, इस प्रकार आगे से आगे मिलाता जाना है। सिक्स को सेवन को से, सेवन को एट से, एट को नाइन से, नाइन को टेन से। ये एक समान जाली नुमा संरचना आ जाएगी, ये एक समान है, ये लाइनें जरूर टेढ़ी होगी। ठीक है, अब अपने वो कितना दर्शाना है, 3 मीटर, ये अपना 3 मीटर का है यहाँ पे, 3 मीटर, 5 डेसीमीटर, 1 2 3 4 5, यानी 5 वाली जो लाइन है टेढ़ी ऊपर जा रही है, इस लाइन को देखना है अपने को, और इसके अंदर 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर तो यहाँ पर आपने 0 से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 6 सेंटीमीटर ये लाइन यहाँ पे, ये लाइन टेढ़ी जा रही है, और ये 5 वाले को जहाँ पे काट रही है वहाँ पर अपन एक निशान लगाएंगे और इसको ऊपर ले जाएंगे। ये जो दूरी है ये अपनी कितनी है, 3 मीटर, 5 डेसीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो ये था अपना डायगोनल स्केल, ये रफली मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको ड्राइंग शीट पे भी बना के अभी दिखाता हूँ। तो अब इस क्वेश्चन को अपन करते हैं ड्राइंग शीट पे। क्वेश्चन अपने लिख रखा है वापस से, अधिकतम माप 5 मीटर, ड्राइंग पर माप 2 सेंटीमीटर, वास्तविक माप 1 मीटर। अपने को 3 मीटर, 5 डेसीमीटर और 6 सेंटीमीटर दर्शानी है। आर एफ अपने निकाले वस्तु की माप, वास्तविक ड्राइंग पर माप डिवाइड बाय वास्तविक माप, यह आ गया 1/50, और पैमाने की लंबाई होगी 1/50 × अधिकतम माप, अधिकतम माप था 5 मीटर, सेंटीमीटर में बदल लिया तो पैमाने की लंबाई आ गई अपनी 5 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर की मैं एक लाइन खींच बना लेता हूँ, पाँच से शुरू किया मैंने और 15 तक बना दिया, 10 सेंटीमीटर की लाइन हुई। अब मैं इसको एक आयत बना लेता हूँ, इसके ऊपर 2 सेंटीमीटर ऊपर ले जाता हूँ मैं, ये अपनी इच्छा होती है, हम कितना भी ले जा सकते हैं लेकिन उतना ही ले जाना चाहिए जितना अच्छा लगे, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर ठीक लगेगा तो इसको मैं 2 सेंटीमीटर ऊपर ले गया हूँ, और इनको आपस में मिला दिया। अब अपन करते हैं अधिकतम 5 मीटर नापना है तो अपन इसके 5 टुकड़े कर लेते हैं कंपास की सहायता से, 5 चाप में लगा लूंगा, वन टू थ्री फोर फाइव, पहले पॉइंट और लास्ट पॉइंट को मिला दूं आपस में, इस कम सेट स्क्वायर को यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ दूसरे को ताकि हिले नहीं, और इसको ऊपर खिसकाते हुए
ये अपने को पांच पार्ट हो गए, 0, 1, 2, 3, 4। यहाँ से मैं ऊपर लंब डाल देता हूँ, अब इस हिस्से के अपने को 10 टुकड़े और करने हैं। मैं इंक्लाइन लाइन लगा देता हूँ, इस कंपास को छोटा करना पड़ेगा अपने को। दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ और 10। इसी तरह पहले लास्ट वाले को इस 0 से मिला देते हैं, सेट्स पर यहाँ रख लेते हैं, इसको मूव कर देते हैं। ये हो गए अपने 10। इनके जस्ट सामने मैं एक 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 पॉइंट और लगा देता हूँ। ये जस्ट सामने मैं लंब डाल रहा हूँ, ये लंब मैं यहाँ पे इस लाइन को लाइन पे मिला के दर मिल रहा हूँ। देखिए, ये एक सिंपल सा तरीका है लंब डालने का। ये अपने 10 निशान लगा लिए। अब मेरे को इसको रिकरेंस के रूप में मिला देना है, पहले को इससे अंतिम से, दूसरे को आगे वाले विकर्ण, यानी एक छोड़ के मिलाना है टेढ़ा। ये अपने को ध्यान रखना है। ये जो सभी समांतर रेखाएं खींची है अपने, इन सब की दूरी बीच में हमेशा बराबर आनी चाहिए, तभी अपना क्वेश्चन ये सही होगा। ये अपन ने मिला दिया। अब यहाँ से मैं एक टेढ़ी लाइन और खींच लेता हूँ। इस हिस्से के भी अपने को 10 पार्ट करने हैं, क्योंकि अपन ने अपने यहाँ पे मीटर बनाया, यहाँ पे डेसीमीटर बनाया, अब यहाँ पे अपने को सेंटीमीटर बनाना है, यानी तीसरी इकाई बनानी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और
टेन वाले हिस्से को अपन इसको मिला देते हैं यहाँ से। ये यहाँ पे दूसरा सेट स्क्वायर मैं रख देता हूँ ताकि इसको मैं आगे बढ़ा सकूँ। इसके ऊपर हाथ रख दिया, इसको आगे खिसका दिया। ये अपने बराबर लाइन खींचती है। अब इन लाइनों को अपन यहाँ पे इस लाइन के समांतर आगे भी बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं इसको यहाँ पे ब्रेक कर लेता हूँ, यहाँ पे स्केल रख लेता हूँ, इसको इसके समांतर आगे बढ़ा दिया यहाँ तक। टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ये लास्ट वाली 10। फाइव वाली लाइन को अपन पूरा आगे बढ़ा लेते हैं ताकि इसको डेकोरेट कर सकें। अब अपने वो कितना दर्शाना था, दर्शाना था अपने वो 3 मीटर। ये हो गया मीटर वाले में 0 से 1, 2 तो और ये 3, 3 मीटर यहाँ पे आ गया। उसके बाद 5 डेसीमीटर, ये अपना डेसीमीटर है और ये अपना सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5, इस लाइन के ऊपर अपने वो कहाँ तक जाना है, 6 तक। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो ये अपना पॉइंट आ गया। इसको अपन ऊपर ले जाते हैं। इसको ऊपर ले जाते हैं और यहाँ पे अपन इसके ऊपर अपना जो माप दर्शानी है वो अंकित कर देते हैं। ये कितनी माप थी अपनी, 3 मीटर, 5 डेसीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो ये था डायगोनल स्केल। अपन चाहें तो इनको अल्टरनेट को ब्लैक कर सकते हैं पेंसिल से ताकि ये सुंदर दिखे, पूरा ब्लैक। थैंक यू।